वोटिंग जारी है। 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हुई। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, जिसमें राहुल गांधी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल भी चुनावी मैदान में है। तो वहीं अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं। यूपी की 14 सबसे ज्यादा 14 सीटों पर, उत्तर प्रदेश में 5वें चरण में चुनाव हो रहे हैं। तो वहीं महाराष्ट्र की 13 सीटों पर लगातार मतदान जारी है। पश्चिम बंगाल की 7 और बिहार की 5 सीटों पर भी लगातार वोटिंग की जा रही है। तो वहीं उड़ीसा की 5, झारखंड की 3 सीटों पर भी चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट पर चुनाव हो रहे हैं। समझदार हैं और उनको मालूम है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है ये वोटिंग करना, ये मतदान जो इतना मतदान है, ये दान के लिए हम लोग आप लोगों से आकर मांगते हैं। ये दान बराबर दें और सही लोगों को देना चाहिए, यही हमारा रिक्वेस्ट है। प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी, 400 पार का सपना उनका पूरा होगा? सब लोग 400 पार का सपना, 400 पार का सपना जो है डेफिनेटली पार होगा, क्योंकि इतना सब कुछ मोदी जी ने किया पूरा देश के लिए, देश के लोगों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए, तो क्यों नहीं। लोग प्रभावित है मोदी जी से, और मोदी जी भी खुद पर्सनली कितना मेहनत भी वो भी कर रहे हैं ना। ऐसे कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा जो मत इलेक्शन के टाइम पे इतना वर्कआउट कर रहा है। ईशा जी, आपका ईशा जी, आप भी मतदान करना है, पहले तो आप आम जनता से क्या अपील करेंगे पहले? यही कहूंगी सबसे कि जरूर हमारा हक है, बाहर आइए, वोट कीजिए, क्योंकि अगर आप वोट नहीं करते हो और बाद में कहते हो कि सही नहीं हुआ या यू नो सही हुआ, तो ये आप पर है। एक एक वोट मायने रखता है और आपका हक है, तो जरूर आज का दिन निकल के आके वोट कीजिए। विकसित भारत का सपना प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाया, आपको लग रहा है कि ये समय है इस सारे सपने में सारे लोग शामिल जी? उन्होंने जितना किया है हमें सबको दिख रहा है, वो बहुत कुछ कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, और उनका जो ध्यान हमारे भविष्य के जेनरेशन पर है वो बहुत ही खास बात है उनके बारे में। और नॉट जस्ट इन इंडिया, इंटरनेशनली भी हमारा देश को वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा रहे हैं। तो हेमा मालिनी मथुरा से चुनावी मैदान में भी है, मुंबई में अपना वोट कास्ट करने पहुंची अपनी बेटी ईशा के साथ, जहां पर उन्होंने ये बड़ा दावा एक बार फिर से किया कि एनडीए 400 पार करने वाली है। हालांकि 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तो पता चल पाएगा। तो अलग अलग तस्वीरें महापर्व की आपके टीवी स्क्रीन पर, स्मृति ईरानी, दिनेश प्रताप सिंह, रोहिणी आचार्य, ये अलग अलग दिग्गज वोटकास्ट करने पहुंचे, पीयूष गोयल से लेकर ब्रिजभूषण शरण सिंह, मायावती, और इसके साथ साथ कई अन्य दिग्गजों ने भी अपने वोट कास्ट कर दिए हैं। मिहिर कोटेचा, उज्ज्वल निकम, साधी, और इसके साथ साथ फैजाबाद यूपी से तस्वीर जहां पर लल्लू सिंह वोटकास्ट करने पहुंचे, ब्रिजेश पाठक, और नॉर्थ 24 परगना बंगाल में भी शांतनु ठाकुर ने वोट कास्ट किए हैं। दिलीप टिर्की से लेकर अलग अलग कई स्टार भी आज अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। तो फरहान अख्तर की तस्वीर मुंबई से आप देख पा रहे हैं, अक्षय कुमार भी अपना वोट कास्ट करने पहुंचे, जानवी कपूर से लेकर अनिल अंबानी और परेश रावल ने अपने अपने पोलिंग बूथ जाकर अपना मतदान किया है। तो समझिए जरा मतदान करना कितना